हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज का ये वीडियो होने वाला है बीए बीएड एंड बीएससी बीएड करने वाले स्टूडेंट्स के लिए। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नया नया एडमिशन लिया है, बीए बीएड हो चाहे बीएससी बीएड हो, काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करें। तो देखो, आपको एक चीज़ मैं बिल्कुल क्लियर बता दूँ कि चाहे आपका बीए बीएड हो बीएससी बीएड हो, ये जो आपका 4 साल वाला कोर्स है, इसका जो आपका सब्जेक्ट का सिलेबस है, यानी जो आपका बीएससी का सिलेबस है, वो सेम रहेगा एज उन स्टूडेंट्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग जिन्होंने 3 साल वाला बीएससी चूज़ किया है। यानी जैसे आपका, मैं जस्ट एन एग्जांपल दे रही हूँ यहाँ पर, चाहे आपका कोटा यूनिवर्सिटी हो या फिर आप राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, तो जैसे कोटा यूनिवर्सिटी का जो 3 साल का बीएससी का कोर्स होगा, उसका जो सिलेबस है वही सिलेबस 4 साल वाले बीएससी बीएड के अंदर जो बीएससी का सिलेबस है वो सेम होगा। तो आपको जब अपना सिलेबस डाउनलोड करना है तो आपको आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना है। वहाँ पर जो आपको बीएससी का सिलेबस दिखेगा, यदि आप ऐसे सर्च करोगे ना कि बीएससी बीएड का सिलेबस, और फिर उसमें आप ढूंढोगे कि बीएससी बीएड में आपका फिजिक्स का सिलेबस या जूलॉजी का सिलेबस, तो इस तरीके से आपको सिलेबस नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है, आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में बीएससी का सिलेबस सर्च करना है, ना कि आप बीएससी बीएड 4 साल वाला, इस तरीके से सिलेबस नहीं मिलेगा। नॉर्मल आपको बीएससी का सिलेबस सर्च करना है अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे आपका बीएससी में मान लीजिए मैथ सब्जेक्ट है, तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों के अलग अलग पीडीएफ डाउनलोड करने पड़ेंगे अपने बीएससी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और फिर जो आपका सिलेबस रहेगा 4 साल वाला बीएससी बीएड का, वही सिलेबस रहेगा जनरल जो 3 साल की बीएससी है उसमें। तो सिलेबस आपको बीएससी के नेम से मिलेगा, ना कि आपके बीएससी बीएड के नेम से। बीएससी बीएड के नेम से आपको मिलेगा बीएड का सिलेबस, जो कि आपके क्योंकि बीएड का सिलेबस इसमें आपको अलग से देखने को मिलेगा, अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर का अलग, सेकंड ईयर का अलग, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का, इस तरीके से। बाकी जो बीएससी का सिलेबस है वो आपका अलग डाउनलोड होगा। सेम यही पैटर्न रहेगा बीए वाले स्टूडेंट्स के लिए। जो आपका बीए का सब्जेक्ट है, जो आपका बीए का सिलेबस है, तो उसमें जो आपका नॉर्मल 3 साल वाला बीए रहता है, वही सिलेबस आपका रहेगा 4 साल के अंदर। क्योंकि जो आपका मेन सब्जेक्ट है ना, ये बीए हो या बीएससी हो, ये आप 3 साल तक ही पढ़ोगे। इस 4 साल वाले इंटीग्रेटेड कोर्स में आपको 3 साल ही अपने सब्जेक्ट वाले जो पेपर्स हैं वो देने हैं, सब्जेक्ट का सिलेबस पढ़ना है। एक जो आपका लास्ट ईयर होगा, फोर्थ ईयर, वो कम्प्लीटली बीएड का, मतलब कम्प्लीटली बीएड के ऊपर रहेगा, क्योंकि उसमें आपके ओनली बीएड के पेपर्स लगेंगे। सब्जेक्ट वाले पेपर्स हैं वो ओनली आपको 3 साल तक ही देखने को मिलेंगे। इसीलिए दोनों में सिलेबस सेम रहता है, चाहे आप जनरल बीएससी करो, चाहे आप 4 साल वाला इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड करो, सेम वही चीज़। चाहे आप जनरल बीए करो 3 साल की नॉर्मल बीए, या फिर आप 4 साल वाला बीए बीएड करो, तो सिलेबस आप जो नॉर्मल बीए का सिलेबस है, जो भी आपके सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, तो अपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाओ। यहाँ पर मैंने कोटा यूनिवर्सिटी का एग्जांपल लिया है। आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, किसी भी स्टेट से हो, आपका जो भी यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जब आप जाओगे, सिलेबस वाले सेक्शन में जब आप जाओगे, तो वहाँ पर आपको नॉर्मल ऐसे ही देखने को मिलेगा कि आपके सब्जेक्ट्स, जैसे आर्ट्स के लिए, फिर आर्ट्स के अंदर भी आपके अलग अलग सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, उनके सिलेबस दिए हुए होंगे, फर्स्ट ईयर का अलग, सेकंड ईयर का अलग। तो आपके अलग अलग सेक्शन में वहाँ पर आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा जब आप अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाओगे। तो वहाँ से आप अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, बजाय यूट्यूब पर वीडियोस देखने के लिए कि बीए फर्स्ट ईयर का सिलेबस, या बीए बीएड फर्स्ट ईयर का सिलेबस, बीएससी फर्स्ट ईयर का सिलेबस, या फिर बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर का सिलेबस। तो वो सिलेबस सेम ही है, चाहे आप नॉर्मल सर्च करिए या फिर आप बीएससी बीएड सर्च करिए। बाकी मैंने भी आपको सिलेबस के ऊपर वीडियोस बनाए हुए हैं, तो वहाँ से भी आप सिलेबस देख सकते हैं। यदि आपको सिलेबस डायरेक्ट आपकी वेबसाइट पर नहीं मिलता है, यानी आपको ढूंढने में दिक्कत होती है, तो आप मेरी सिलेबस वाली प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको सिलेबस की वीडियोस मिल जाएंगी। बाकी मैं तो आपसे यही कहूँगी कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी के सिलेबस के लिए आप अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ही सिलेबस डाउनलोड करें। सिलेबस के साथ साथ ही आपको क्या होगा कि एग्ज़ाम पैटर्न भी मिल जाएगा। जैसे आपका बीएससी बीएड है, तो बीएससी बीएड में बीएससी के कितने पेपर्स लगेंगे, बीएड के कितने पेपर्स लगेंगे, तो वो चीज़ें जो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड करोगे, वहाँ से आपको सिलेबस भी मिलेगा, एग्ज़ाम पैटर्न भी मिलेगा, मार्किंग पैटर्न भी मिलेगा, कितने मार्क्स के बीएससी का पार्ट है, कितने मार्क्स का बीएड का पार्ट है, दोनों मिला के कम्बाइंड टोटल कितने पेपर्स लगेंगे, तो वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो जब हर यूनिवर्सिटी का पैटर्न अलग अलग रहता है, वैसे तो मैं यही कहूँगी, क्योंकि मोस्टली यूनिवर्सिटी, जैसे आप अलग अलग स्टेट से, काफ़ी अलग अलग स्टेट से स्टूडेंट जुड़े हुए हैं इस चैनल पर बीएससी के रिगार्डिंग,
तो सबका सिलेबस अलग अलग होता है, तो आप अपनी स्टेट की जो भी यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से यदि डाउनलोड करोगे तो आपको प्रॉपर वही चीज़ मिलेंगी जो कि आपको पढ़नी है, ठीक है। बाकी यदि आप कोटा यूनिवर्सिटी या राजस्थान यूनिवर्सिटी से हैं तो उनका सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, नोट्स, बुक्स वगैरह सारी चीज़ें मैंने इस चैनल पर बताई हुई है, तो कोटा यूनिवर्सिटी या राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए तो पूरी चीज़ प्लेलिस्ट में एकदम सेट है। सिलेबस चाहिए तो सिलेबस वाली प्लेलिस्ट ओपन करें, नोट्स चाहिए तो आपको नोट्स के लिए भी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, एग्ज़ाम पैटर्न देखना है तो मैंने सिलेबस के साथ ही एग्ज़ाम पैटर्न, मार्किंग पैटर्न सब समझाया हुआ है, कितने मार्क्स का आपके पेपर है, क्या आपका मतलब पासिंग मार्क्स कितना रहेगा, एग्ज़ाम कितने तरीके से लगेंगे, जैसे BSc के कितने पेपर, BEd के कितने पेपर, सब कुछ समझाया हुआ है नए पैटर्न पर। उस प्लेलिस्ट को आप चेक करिए, वहाँ पर आपको इससे रिलेटेड जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न रिलेटेड है उससे रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस मिल जाएंगी, उन वीडियोस को आप देखिएगा कंप्लीट डिटेल्स के लिए, ठीक है। फिलहाल ये वीडियो, मेरा मेन मोटिव यही था कि जो नए बच्चे हैं उनको ये पता नहीं रहता है, उन्हें ऐसा लगता है कि डायरेक्ट हमें BA BEd का सिलेबस नहीं मिल रहा, BSc BEd का सिलेबस नहीं मिल रहा, तो ये चीज़ है कि आपको अलग अलग सर्च करना पड़ेगा, BSc के तीनों सब्जेक्ट के सिलेबस आपको अलग अलग डाउनलोड करने पड़ेंगे और वो ही सिलेबस आपका सेम रहेगा जनरल पैटर्न पे, तो आप जनरल वाला ही सिलेबस आपको मिलेगा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, ना कि एग्जैक्ट आपको BSc BEd का सिलेबस मिलेगा। BSc के सिलेबस तीनों सब्जेक्ट्स के आप अलग से डाउनलोड करें, फिर आपको BEd का जो सिलेबस है वो अलग से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ से अपना सिलेबस डाउनलोड करें। इसके अलावा यदि आपको कोई और दिक्कत हो रही है BSc के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ये चैनल प्रॉपर BSc स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए है। तो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।